समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। शहर से लेकर गांव तक की सड़कें बदहाल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बारिश के चलते शहर से लेकर गांव तक की सड़कें जर्जर हो गई हैं, जिससे लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सड़कों के कारण छात्र छात्राएं स्कूल कॉलेज आने जाने में असमर्थ हैं और कई विद्यार्थी तो खतरों का सामना करके स्कूल कॉलेज जाने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक नजारा सामने आया है बरगी विधानसभा से लेकर बरगी नगर तक, जहां सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इसके अलावा ग्राम पंचायत चौराई में आने वाली टैमर नदी में बने पुल की रेलिंग का हिस्सा भी बह जाने से लोगों की जान को खतरा हो गया है, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी किसी बड़े हादसे के होने का इंतजार कर रहे हैं। हमारी चौराई ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है ये रोड, मगर रोड हमारा नहीं है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का रोड है जो बरगी बांध से संबंधित है और ये बरगी से बरगी बांध तक रोड जाता है और इससे आगे घुनसौर और मंडला भी जुड़ता है इससे। और आज वर्तमान में आप देख रहे हैं इस रोड की स्थिति ये है कि आदमी झूला झूलने में तो थोड़ा आराम से झूलता है, मगर गाड़ियों में जब बैठ के इस रोड से निकलती है तो बहुत तेज़ी गति से आदमी झूल रहा है और दुर्घटनाएँ भी हो रही हैं, आदमी गिर भी रहा है, मगर एजुकेशन डिपार्टमेंट इसमें कोई भी ध्यान वर्तमान में नहीं दे रहा है। हमारे ग्राम पंचायत के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय है, इसमें 450 बच्चे डेली अप डाउन कर रहे हैं इस पुल से और इस रास्ते से, मगर इसमें भी कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। दुर्घटना का निमंत्रण वो दे रहे हैं, मगर दुर्घटना ना हो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस घटना को ना हो पाए और इसमें वर्तमान में एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी इसमें रिपेयरिंग करें, ऐसी मेरी मांग है। जो है बरगी से बरगी नगर डैम रोड की रास्ता है जो एजुकेशन विभाग के माध्यम में एजुकेशन विभाग में आता है, यह विगत दो वर्षों से इस रोड की हालत जर्जर है। इसमें बहुत सारे गड्ढे हैं और बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर गाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। गाड़ियाँ बहुत पंचरें ख़राब होती हैं, टूट फूट होती है और हादसाएँ भी बहुत अधिक हो रहे हैं। बच्चों साइकिल से स्कूल आते हैं, गड्ढों में पानी भरा रहता है, उनको पता नहीं चलता कि इस गड्ढे में कितना बड़ा गहरा है कि नहीं है, और वहाँ से निकलते हैं हादसे में गिर जाते हैं। किसी शासन से यही मांग है या एजुकेशन विभाग से यही अपील है कि इस रोड की जो है मरम्मत कार्य या इसको जो जीर्णोद्धार किया जाए, जिससे लोगों को आवागमन की सुविधा हो सके। मेरा नाम मनोज कुमार चौबे है, मैं ग्राम चौराई का निवासी हूँ। ये थी आज की खबरें, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।